आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पार्कल सोसाइटी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू स्पार्कल सोसाइटी। मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सब लोग तो इंटरनेट यूज करते हैं, ये जो वीडियो है ये भी आप इंटरनेट पे ही देख रहे हैं, यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। तो शुरू करते हैं। हर एक व्यक्ति आज की डेट में इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट कर चुका है। इंटरनेट पे अगर जाता है तो सबसे पहली ब्राउज़र में अगर कोई साइट डालेगा या फिर एंड्रॉयड फ़ोन भी अगर लेता है तो भी उसमें जो भी चीज़ वो यूज़ करेगा, आज एंड्रॉयड फ़ोन ये भी गूगल का ही है, और अगर वेबसाइट पे भी हम टाइप करते हैं तो भी गूगल ही टाइप करते हैं। तो जब भी आप www.google.com में कुछ सर्च करते हैं तो गूगल सब जानता है। और अगर आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं तो सब जानता है। हाँ, तो अगर हम जीमेल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल सब जानता है। अगर हम मैप पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल सब जानता है। जी हाँ, गूगल सब जानता है। तो गूगल सब जानता है। अगर हम इसे ही प्रॉपरली देखें तो एक हमारे इसमें ध्यान में आ जाता है कि गूगल ये दुनिया की सबसे सबसे बड़ा सर्वर है, सबसे ज़्यादा लोग गूगल पे ही काम करते हैं। फिर भी अगर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो गूगल के पास जाती है, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो गूगल को हमारे बारे में इतना सारी चीज़ें पता है या इतनी सारी चीज़ें हमने गूगल को ऑलरेडी दी हुई है कि आपको भी शायद पता नहीं होगा कि कितनी इंफॉर्मेशन आपने गूगल को दी। जी हाँ, गूगल सब जानता है। इसका मतलब ये ही है कि आपकी हर एक इंफॉर्मेशन गूगल के पास है, आपका हर एक चीज़ गूगल के पास है। यहाँ तक कि आपको भी इतना इंफॉर्मेशन आपके बारे में नहीं होगा जितना गूगल को आपके बारे में पता है। आप अगर बेसिकली देखते हैं तो गूगल में ही आप सारी कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी है तो आप गूगल को ही यूज़ करेंगे। अगर डे टू डे लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन ही यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन ये भी एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करते हैं, वीडियो जो यूट्यूब है ये भी गूगल का प्रोडक्ट है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप मैप अगर हम लेते हैं, गूगल का मैप जब हम लेते हैं तो गूगल के मैप में आप ये देखते हैं कि हम किस जगह से किस जगह पर जा रहे हैं। हर एक चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड ये गूगल आपके पास रखता है। तो गूगल के सर्वर में ये सारी की सारी चीज़ें होती है। जिस दिन आपने फर्स्ट ईमेल आईडी क्रिएट की है उस दिन से, यानी जैसे ही आप गूगल का अकाउंट क्रिएट करते हैं तब से लेके सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी गूगल के सर्वर में है। गूगल जो है उसका मिसयूज़ करता है नहीं करता है ये अलग बात है, लेकिन हमारे लिए ये डेटा सेव कर रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही फेसबुक का ही जो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो शेयर हुई है वो काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। तो हो सकता है कल अगर गूगल के साथ में ऐसे हो या अदर कंपनीज के साथ में भी हो सकता है। तो अगर हमारी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अगर लीक हो जाती है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान के चलिए मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, नेट मेरा कनेक्टेड है, और उसके बाद में मैं किस किस लोकेशन पे जाता हूँ वो गूगल मैप मुझे सारी इंफॉर्मेशन मेरे गूगल मैप के हिस्ट्री में पूरी दिखाई देती है। मैं किस जगह पर कितने बजे तक वहाँ पर था, कितने स्पीड से गया, क्या मैं चलते गया था या मैं गाड़ी से गया था, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल के पास होती है। तो गूगल अगर हम देखें तो गूगल काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमसे लेता है। ये वॉइस टैग्स, हेलो गूगल हम कहते हैं, लेकिन उसके साथ में भी अदर वॉइस भी उसमें हो सकता है कि रिकॉर्ड हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो गूगल अपने पास लेता है। तो गूगल में जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आ जाती है। अगर हमें अपने आप का डेटा, अपना जो खुद का डेटा है वो अगर सिक्योर करना है तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि हम हमारे जो पर्सनल डेटा है ये गूगल के पास न जाने दें। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन गूगल को नहीं पहुंचानी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। तो ये वीडियो प्रॉपरली पूरी तरह से देखिए, हर एक वीडियो का हर एक पार्ट अच्छे से देखिए ताकि आपका जो गूगल अकाउंट है उसमें से जो सिक्योरिटी के पार्ट्स हैं वो सिक्योर करके रखें और आपका जो पर्सनल डेटा है ये गूगल के डेटाबेस में न जाने दें। और ये करते हुए आपको आपका जो फ़ोन है या फिर आपके जो एप्लीकेशंस हैं या फिर जो भी सर्विसेज है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं गिरेगा। गूगल ने भी अपने वेबसाइट्स पे ये चीज़ों का डिक्लेरेशन किया है कि अगर आप चाहते हैं तो आप आपका डेटा सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, इसलिए उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारे डेस्कटॉप पे। अब जो हम देखेंगे वो है कि गूगल जो है हमारा जो डेटा चोरी कर रहा है या हमारा जो डेटा है वो अपडेट कर रहा है अपने सर्वर में, उससे हम कैसे बचें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें ऊपर जो हमारा एड्रेस बार है उसमें टाइप करना है www.google.com/history तो जैसे ही हम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे सामने माय एक्टिविटी नाम से एक पेज ओपन होता है जिसमें आपको पहले शुरू में कुछ स्क्रीन दिखाई देगी, तो उसे नेक्स्ट कर दीजिए। सेकंड स्क्रीन आ गई है डेटा वर्क फॉर यू, तो उसको नेक्स्ट कर दीजिए और यू आर इन कंट्रोल नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है मेरे इस आईडी का जो हिस्ट्री है वो, कि मैंने कब कब उसको क्या क्या यूज़ किया था, किस हिसाब से यूज़ किया था वगैरह, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें सारी दी गई है। तो हर एक चीज़ मुझे यहाँ पर डिटेल में दिखाई दे रहा है जब से मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करूँ चाहे मैं कंप्यूटर पर यूज़ करूँ, सारी चीज़ें इसमें पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ये सारे का सारा गूगल को जा रहा है। अब मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसमें नहीं चाहिए, तो इसे मुझे करना है पूरी तरह से क्लोज, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट और सिक्योर डेटा है, ठीक है, और ये मैं नहीं चाहता कि गूगल के सर्वर पे वो चला जाए। तो मैं तीन डॉट्स को क्लिक कर देता हूँ और ये तीन डॉट्स को क्लिक करने के बाद मुझे आना है एक्टिविटी कंट्रोल्स में। तो एक्टिविटी कंट्रोल्स में हमें जो पेज ओपन होगा उसमें सबसे पहले तो हमें ये तीन चार चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है, एक एक हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी, यानी वेबसाइट्स और आपका जो एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन सर्च में आप कर रहे हैं वो कर दिया है मैंने ऑफ, इसे पॉज कर दिया है, फिर से एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ आई है तो उसको भी मैंने पॉज कर दिया है। तो अब ये मेरे मेल आईडी का पूरा डेटा, जो भी सर्च हिस्ट्री होगी वो सर्च हिस्ट्री गूगल की तरफ नहीं जाएगी, भले मेरे फ़ोन में रहे, मेरे पर्सनल डेटा में रहे, लेकिन ये गूगल इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, मैंने उसका परमिशन कैंसिल किया है। नेक्स्ट आते हैं लोकेशन हिस्ट्री, हम जहाँ जहाँ पर भी ट्रैवल करते हैं हमारा फ़ोन रहता है साथ में, तो ये जो ट्रैवल हिस्ट्री है इसे भी मैंने पॉज कर दिया है, अभी गूगल मेरे लोकेशन जान नहीं पाएगा। मेरा एंड्रॉयड का मैप है या फिर गूगल मैप जिसे हम कहते हैं, या कोई और अगर आपका एप्लीकेशन रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो सारी काम करेगी, इस चीज़ की वजह से हिस्ट्री ऑफ करने से वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा मैप हमने ऑफ कर दिया है। हमारा डिवाइस इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हम टैबलेट यूज़ करेंगे या हमारा मोबाइल फ़ोन है या कोई कंप्यूटर वगैरह कहीं कैफ़े में हम यूज़ करते हैं तो हमने कहाँ कहाँ पर ये ईमेल यूज़ किया है वो इन्फॉर्मेशन हम ऑफ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वॉइस एंड ऑडियो की तरफ। वॉइस और ऑडियो एक्टिविटी, यानी हम अगर कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ बोलते हैं, जैसे ओके गूगल, ये तो हम कॉमन हो गया है हर एक फ़ोन में, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, मेरा वॉइस रिकॉग्निशन वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी ऑफ कर दिया है, इसे भी मैंने पॉज कर दिया है, मेरा कोई भी पर्सनल डेटा मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। अब ये है यूट्यूब सर्च हिस्ट्री, जो भी हम टाइप करके सर्च करते हैं वो सारा चीज़ इसमें आ जाता है, ठीक है।
तो वो जो हिस्ट्री है वो भी अभी गूगल की तरफ नहीं जाएगी। और ये है यूट्यूब वॉच हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री में जो मेन डिफरेंस आता है वो है कि सर्च हिस्ट्री में हम सिर्फ सर्च करते हैं वही हिस्ट्री वहाँ पर जाएगी, और वॉच हिस्ट्री अगर देखते हैं तो वॉच हिस्ट्री में जो भी हमने वीडियोस देखे हैं वही वीडियोस दिखते हैं। तो मैंने ये भी बंद कर दिया है और इसे भी पॉज कर दिया ताकि मेरे जो वीडियोस जो मैंने देखे हुए हैं वो गूगल को पता न चले। तो इस तरह से ये है एक्टिविटी कंट्रोल्स जो हम ऑफ कर सकते हैं और हमारा पर्सनल जो डेटा है वो हम सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फ्यूचर में कभी भी google.com/history में चले जाता है तो आपको इसमें जो हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा वो सिर्फ उस दिन तक ही जब तक आपने वो डेटा ऑफ नहीं किया था तब तक का ही डेटा गूगल के पास है। इसके बाद वाला जो डेटा है वो गूगल के पास नहीं रहेगा, क्योंकि इसके आगे से गूगल ये जो डेटा है वो सेव नहीं कर पाएगा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको हर एक ईमेल अकाउंट में करना ही चाहिए, क्योंकि इसे आप रहेंगे सिक्योर और सेफ। थैंक यू वेरी मच।